नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं YouTube पर ग्रेट वे इन्फोटेक चैनल। दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं कि आप किस तरह से बिना सॉफ्टवेयर की मदद से एक सीक्रेट फोल्डर तैयार कर सकते हैं, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो चलिए दोस्तों शुरू करने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उस ड्राइव या फोल्डर में जाना होगा जहाँ पर आपको अपना डाटा सिक्योर करना है। तो मैं अपना एक ड्राइव खोल रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मूवीज़ हैं, और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे हम, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर। ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल जनरेट हो गई है, ये नोटपैड की फाइल होती है। और यहाँ पर हम एक कोड पेस्ट करेंगे जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप इसको अपने नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका पासवर्ड आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बस आपको ये वाली लाइन में जो मैं अभी दिखा रहा हूं, इस लाइन में आपको पासवर्ड अपना सेट करना है। तो ये लाइन है इफ़ नॉट परसेंटेज पास परसेंटेज इक्वल टू इक्वल और वंडर हाउ टू गो टू। ठीक है, ये जो हाउ टू गो टू है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। जैसे मैं अपने चैनल का नाम रख रहा हूँ ग्रेटवे इन्फोटेक। देखिए दोस्तों, मैंने पासवर्ड रखा है ग्रेटवे इन्फोटेक और अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, सेव एज करके। यहाँ पर हम नाम कुछ भी दे सकते हैं इसका, आप चाहे लॉक कर दो, अपना नाम दो, कोई भी दो। अभी मैं इसका ग्रेटवे इन्फोटेक नाम से इस फाइल को सेव कर रहा हूँ, लेकिन इस फाइल को ग्रेटवे इन्फोटेक हम नाम देंगे और साथ में एक एक्सटेंशन देंगे BAT, बैट मतलब बैच फाइल। और ये जो सेव एज टाइप है, यहाँ पर हम ऑल कर देंगे और एनकोडिंग इसकी रहेगी ANSI और इसको हम सेव कर देंगे। तो अब मैं नोटपैड क्लोज कर रहा हूँ। तो आप देखिए उस फोल्डर में जहाँ पर मेरा डाटा है, वहाँ पर एक ग्रेटवे इन्फोटेक नाम की एक बैच फाइल तैयार हो गई है। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो एक प्राइवेट फोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन गया और इस फोल्डर का नाम है प्राइवेट। तो दोस्तों अब मैं अपना जो ज़रूरी डाटा है उसको मैं यहाँ से कट करके प्राइवेट फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ, जो कि ग्रेटवे इन्फोटेक बैच फाइल ने तैयार किया है। तो मेरा पूरा डाटा देखिए प्राइवेट फोल्डर में चला गया है। अब इस फोल्डर को हम सिक्योर करेंगे, सीक्रेट बनाएंगे। तो हम ग्रेटवे इन्फोटेक जो बैच फाइल है उस पर डबल क्लिक करेंगे। तो ये यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए पूछेगा कि आपको आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर। तो हम यहाँ पर यस टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यस टाइप करने के साथ ही देखिए वो फोल्डर आपका यहाँ से सीक्रेट हो गया और वो गायब हो गया। और दोस्तों इस फोल्डर को अगर आपको अनलॉक करना है तो आपको फिर से उसी बैच फाइल पर डबल क्लिक करना होगा, ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको वो पासवर्ड लिखना होगा जो वहाँ पर हमने नोटपैड में एडिट किया था ग्रेटवे इन्फोटेक, और आप जो पासवर्ड लगाएंगे वो वाला। और उसके बाद ग्रेटवे इन्फोटेक में पासवर्ड डाल रहा हूँ, उसके बाद एंटर करूँगा तो मेरा फोल्डर फिर से वहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए प्राइवेट फिर से यहाँ पर आ गया है। दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस जो बेस्ड होंगे टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन पर, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।